खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का एच के ए न्यूज़ में खैर मकदम है। बीजेपी पार्टी के खिलाफ बीआरएस पार्टी लीडरान ने किया बड़े पैमाने पर धरना। आज बतारीख 10 सितंबर बरोज़ इतवार को महेश्वरम असम्बली हलके के तहत जलपली म्यूनिसपैलिटी के शाहीन नगर एक्स रोड पर बीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा और नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल की सदारत में जो बीजेपी के लीडरान आंडला श्री रामलु यादव ने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस बात पर बीआरएस लीडरान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर जलपली म्यूनिसपैलिटी बीआरएस पार्टी यूथ लीडर सैयद हुसैनी, बीआरएस लीडर सईद पटेल, मोहम्मद अब्बास, इमरान पटेल, इद्रीस बदर के अलावा कई सारे बीआरएस पार्टी के दिगर कारकुनान भी शामिल थे। इस मौके पर तमाम ने शदीद बरहमी व नाराज़गी का इजहार किया और नारेबाजी भी की। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद रफ़ीक की एच के ए न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। आज जलपल्ली म्यूनसिपाली शाहीन नगर उस्मानिया होटल के चौरस्ते पे जो बीजेपी से जो कंटेस्ट करे थे बीजेपी के MLA के आवाज़ से, उन्होंने जो सुना ये बात नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा कोई इलेक्शन लड़ने का है तो तुम सही तरीके से इलेक्शन लड़ लो। यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपाली का मैसरम कॉन्स्टेंसी में गंगा जमुना तहजीब के जो सुना पूरा यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। यहाँ पर हमारे एरागुंडा हो या कुत्तापेट हो, जलपल्ली गाँव हो या पहाड़ी शरीफ हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं। आज तक कभी भी जो है ना यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कभी फिसाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। ये जो तुम बात बोले है मैसरम कॉन्स्टेंसी में, सबिता इंद्रडी मैडम कहीं पर भी जो है ना जलपल्ली कोसी भी म्यूनसिपाल्टी रहने दो, कोसी भी ग्राम पंचायत रहने दो, कहीं भी जो है ना CM KCR साहब डबल बेडरूम के घर दे सकते हैं, आप उसको नहीं रुका सकते। ये बात नहीं बोलना तुम, वो क्या काट देते वो काट देते वो बाता नहीं करना। आपको इलेक्शन लड़ना है तो लड़ो तुम इलेक्शन, मगर ये काट देते कर देते बोले तो ये बात यहाँ पर नहीं सुनते कोई भी। जलपल्ली म्यूनसिपल्टी में जो है ना फिर ऐसा बात करेंगे तो फिर हम भी जो है ना कुछ बात करेंगे फिर तुम्हारे बारे में। आप जो है ना ये बात नहीं करना, आपको लड़ना है तो लड़ो तुम इलेक्शन, लड़ना है ना, इंडिया है, आज़ाद मुल्क है, कोई भी लड़ सकता, मगर ये बात नहीं करना। पहले बीजेपी जो है ना गवर्नमेंट दूसरे स्टेटों में देखो तुम कैसा काम कर रही, क्या है तुम्हारा को मालूम है। तुम यहाँ पर जो बोल रहे हैं मैडम सबिता इंद्रडी के मैडम की मर्जी, कोई से भी मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के म्यूनसिपाल्टी हो या ग्राम पंचायत हो, कहीं भी जो है ना CM KCR साहब से लेके उन्होंने जो है ना वहाँ पर ज़मीन भी दे सकते हैं, डबल बेडरूम घर भी दे सकते हैं। तुम बोल रहे हैं तुम्हारे हमारे बाप दादा के ज़मीना थे, बाप दादा के ज़मीना थे तो जो है ना डबल बेडरूम वहाँ पर कहीं को बनाने दिए, पहले रोकना था। वो चीज़ा नहीं बोलना, वो काट देते ये काट देते बोल के ये चीज़ नहीं होती। डेवलपमेंट के ऊपर जो ना इलेक्शन लड़ो, सबिता इंद्रडी मैडम डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना यहाँ पर मैडम को बीआरएस पार्टी को जो है ना यहाँ पर सबिता इंद्रडी को मैडम ही जीतते हैं। यहाँ पर तुम कितना ही पुकार लो, तुम पुकारो या कोई भी दूसरी पार्टी के भी कोई भी आके पुकार लो, कुछ होने का नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ों से जो है ना खबरदार, आइंदा के आवाज़ से ये चीज़ा नको बोलो। तुम MLA को कॉन्टेस्ट करे सो ये चीज़ नहीं बोलना, तुम गलत बात है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपल शाहीन नगर चौराहे पर यहाँ पर एहतजाज किया गया, इसलिए एहतजाज किया गया है ये कि अंजला श्री रामलु साहब जो माइनॉरिटीज के बारे में जो साउजून में जो लोगों को यहाँ जलपल्ली हमारे मैशोरम कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको जो डबल बेडरूम दिए गए हैं साउजून वालों को, उनके ताल्लुक से उन्होंने गलत अल्फाज किए हैं, उनको हम खबरदार करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि साउजून में तकरीबन मुसलमान रहते हैं, माइनॉरिटीज़ रहते हैं, उस बेस पर हमारे CM KCR साहब ने जो मैशोरम कॉन्स्टिट्यूंसी में तुगुड़े में जो डबल बेडरूम दिए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं CM साहब का, जिन्होंने गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए उन्होंने वहां पर डबल बेडरूम दिए हैं। तो अंजला श्रीरामलू जो है इन्होंने उस चीज़ को गलत अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, जैसा कि यहां पर अगर से कोई आए तो उनकी गर्दन काट देंगे, उनका गला काट देंगे, उनके ये जो अल्फाज है, बीजेपी अपना रूप बता चुकी है। बीजेपी का हमेशा यही काम है कि फसाद डालना, कैसा हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये बीजेपी का काम है। लेकिन हमारे CM KCR साहब का जो हम लोग जब से TRS गवर्नमेंट फॉर्म हुई है हम यही देख रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। इसी बुनियाद पर वहाँ पर जो है ना साउथ जोन के जितने भी लोग थे उन लोगों को डबल बेडरूम दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं CM KCR साहब से कि यहाँ पर भी हमारे मैशोरम कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को भी, गरीब आवाम को यहाँ पर डबल बेडरूम देंगे उन्होंने, हमको उम्मीद है। हम यही एहतजाज कर रहे हैं कि अंजला श्रीराम लोग जो बोले हैं
हमको भी आता है उनके जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, लेकिन हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे सीएम साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमको ये तरबियत नहीं दिए हैं, क्योंकि हम हमेशा अवाम के बीच में, अवाम के दरमियान में रहने वाले हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं, जैसा कि हमारे सीएम केसीआर साहब बताए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम केसीआर साहब का, जिन्होंने डबल बेडरूम जो तुगड़े में दिए हैं साउजून वालों को, उसी तरीके से महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के भी गरीब लोगों में डबल बेडरूम दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है ना उनके जो अल्फाज है वो अल्फाज के खिलाफ हम लोग जाकर जो है ना पीएस में, हर पीएस में, बालापुर पीएस, पहाड़ी शरीफ पीएस में हम उनके खिलाफ में जो है ना कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हमको उम्मीद है ये हमारे कानून पे और हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हम लोग जलब महेश्वरम में हमारे सीएम केसीआर साहब ने जो अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वर्क वो लोग जो है ना एक उन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो लोग गैर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो लोगों के यहाँ पर गला काट देंगे, वहाँ पर कुछ लोग आए तो बोलकर जो बताए हैं उसके खिलाफ हम ज़रूर उनके खिलाफ में कंप्लेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सलाम ఇప్పుడు అందల శ్రీరాములు మా మైనార్టీ వర్గానికి సబజా ఇంద్రారెడ్డి మేడం డబుల్ బెడ్రూమ్ను శాంక్షన్ చేశారు. ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ను శాంక్షన్ చేయడం వల్ల అందల శ్రీరాములకు కడుపులో మంట పుట్టుకొచ్చింది. మంట పుట్టుకొచ్చి మన మైనార్టీకి అగెన్స్ట్గా మైనార్టీ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తే తలలు నరుకుతా అని చెప్తాడు. ఖబర్దారు అందల శ్రీరాములు, నువ్వు ఇంకోసారి మైనార్టీ గురించి ఇలాంటి విషపూరిత పాతజలము ఇట్లా చేసినామనుకో నీకు మంచి ఉండదు. పాడి షరీఫ్ కమాన్ కూడా దాటనీయం నిన్ను ఇక్కడికి రావడానికి. ఇంకోసారి చెప్తున్నాము, మైనార్టీ జోలికి ఇట్లా వచ్చిరనుకో మంచిగా ఉండదు. ఏదైనా సరే అందరూ మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలి, కలిసిమెలిసి మనం చేసుకోవాలి. రాజకీయం రాజకీయం దగ్గర ఉండాలి, మనం మనం మన దగ్గర ఉండాలి. మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యూన్సీ అంటే హిందూ ముస్లిం అందరూ ఒకటి. నువ్వు హిందువులను అలాగా ముస్లింస్ని అలాగా చేసి చూస్తే మంచిగా ఉండదు. నీకు ఒకసారి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం మేము, ఖబర్దార్ అందరి శ్రీరాములు. ఇంకో ఇప్పుడు చెప్పినా చెప్పినా మరోసారి చెప్పవద్దు.